नमस्कार, मैं जीवानंद हालदार, INS 24x7 बोल रहा है वोटर में आपका स्वागत है। इस समय हम नारायणपुर विधानसभा क्षेत्र के भानपुर में मौजूद हूँ और भानपुरी के जो स्थिति है, वोटरों का क्या राय है, इसको जानने के लिए हम पहुंचेंगे वोटरों के बीच। दरअसल नारायणपुर विधानसभा में वर्तमान में केदार कश्यप भाजपा से प्रत्याशी है, जो 3 बार के लिए मंत्री रहा है। वही चंदन कश्यप जो है यहाँ के पूर्व विधायक है, तो दोनों में कड़ी टक्कर मुकाबला होने वाला है और इसे लेकर वोटरों के बीच में क्या राय है और चलते और समझते वोटरों के क्या वोटर क्या कह रहे हैं। वरुण जी बताइए कि वर्तमान में आपके इलाके में क्या खास समस्या है, क्या खास समस्या दूर हुआ है? देखिए, वर्तमान में तो लोगों को सड़क बिजली पानी के समस्या बनी रहती है और अभी भी दिख ही रहा है, और ये तो पिछले 5 साल से चली आ रहा है। अच्छा, आपके यहाँ के विधायक कौन है, जानते हैं उसको? माननीय चंदन कश्यप जी है। पिछले 5 साल को अगर देखा जाए, क्या खास बदलाव आया है इलाके में? खास बदलाव का बात करें तो अपन अंदर अंदर में जाए जिस एरिया में, तो रोड घाट का बात करें तो रोड घाट तो पहले से ही बना हुआ है, तो रोड के तो काम कमी हुआ है। और देखा जाए कि कर्जा माफ वाली बात, कुछ कुछ किसानों का कर्जा माफ हुआ है तो उसमें उसको पर्सनल फायदा हुआ है, ना कि सर्व समूह या तो सर्व समाज को, ना तो पूरा सर्व ग्रामवासी को फायदा नहीं हुआ है। ग्रामवासी को आप बताएंगे सर, आप भी तो वोट डालेंगे? हाँ बिल्कुल सर। ये बताए कि प्रत्याशी को देख के वोट डालेंगे कि मुद्दे पे वोट डालेंगे आप? नहीं, इस बार क्या है, हमारे यहाँ पे मुद्दा वही है जो पिछला था, कर्जा माफ, और यहाँ के किसान उसी से ज्यादा प्रभावित होते हैं। पिछले बार भी बोल रहे थे वरुण भाई कि व्यक्तिगत तो हुआ है लेकिन किसानों का हुआ डायरेक्ट, सभी किसानों का कर्जा, इसलिए इस बार भी लहर कांग्रेस का ही बना हुआ। इससे नारायणपुर विधानसभा में कौन कौन प्रत्याशी खड़ा हुआ मालूम है आपको? जी हाँ, अपने कांग्रेस से चंदन कश्यप रिपीट है और बीजेपी से केदार कश्यप। भारी किस पे कौन भारी है? अभी तो दोनों का बराबर दिख रहा है लेकिन कांग्रेस का भारी लग रहा है। यहाँ मुख्य रूप से क्या है, किसानों का ही है, किसान धान बेचता है, कर्जा माफी हुआ, फिर धान बेचा, उससे अतिरिक्त पैसा आया, फिर गाड़ी घोड़ा मोटर ट्रैक्टर, एक गांव में, मेरे गांव में 5 ट्रैक्टर था, आज 18 ट्रैक्टर है, किस लिए है? मतलब किसानों में प्रोग्रेस है? किसानों में प्रोग्रेस है। भानपुर में चुनावी मिजाज क्या है? चुनावी मिजाज तो सबका दिखा जाए, लेकिन लेवल बता रहा है, लेकिन अभी इसमें जीतने का कोई संभावना ना है। अब कौन जीतेगा, कौन मारेगा, बाजी ना दे बताया जा सकता है। क्षेत्र में भाजपा या कांग्रेस भारी दिख रहे हैं? अब देखो, बयान को तो बोला ना जा सकता, हम तो बीजेपी के साइड में हैं कि देखो अब बीजेपी का होता है। हालांकि कांग्रेस में भी दम है, अभी तो दम दिखा रहे हैं, हम किसी से कम ना है, 15 साल तो राज किए थे। ये कर्जा माफी जो सरकार ने अभी घोषणा किया, कितना प्रभाव पड़ेगा इसका? हाँ, इसका प्रभाव पड़ेगा, ये किसानों को पड़ेगा लेकिन दूसरे आदमी को ना पड़ पाएगा, किसानों को फायदा है। वोट किस मुद्दे पे करेंगे? मुद्दे पे करेंगे, प्रत्याशी को देख के करेंगे? प्रत्याशी को देखते हुए नहीं करूंगा, व्यक्तित्व को भी देखते हुए नहीं करूंगा कि काम कैसा करता है, उस हिसाब से मैं अपना वोट करूंगा। अनमोल है मेरा एक वोट। पिछले 5 साल की अगर तुलना करें जी, क्षेत्र में क्या खास बदलाव आया होगा, क्या लगता है आपको? खास कोई बदलाव तो नहीं हुआ है 5 साल में, सिर्फ आपका गोबर खरीदी यही सब चला है, विकास का कार्य उतना नहीं हुआ है जी, जो 15 साल में जो हुआ विकास का कार्य नहीं हुआ। अच्छा, क्षेत्र की अगर समस्या की बात कीजिए, क्या खास समस्या है और क्या खास जो विधायक है क्या कुछ किया होगा, क्या कुछ अधूरा रहा है अभी? मौका भी तो 2 साल, तो 1 साल तो कोरोना खा गया, 3 साल उनको मिला, तो 3 साल में क्या कर पाएंगे? फिर भी कितना बदलाव आया? बदलाव उतना खास नहीं आया। समस्या जो कहते हो जी, समस्या जो कहते हो है, समस्या तो है। अंतिम सवाल पूछूंगा कि ये बताइए, इस विधानसभा में कौन किस पे भारी है, पंजा फूल या झाड़ू या नागर? टक्कर का है सर, आसान नहीं है रास्ता, मेहनत करना पड़ेगा दोनों प्रत्याशियों को। नारायणपुर के कुछ किसान आए, देखिए अपने अनाज बेचने के लिए बाजार आए हुए हैं, इनका भी मन की बात हम जानने की कोशिश करते हैं। ये भी एक वोटर है, ये भी एक वोट बहुत कीमती है और इसके एक वोट से भी सरकार बन सकती है। आपका क्या नाम है? कुड़ीराम मौर्य। कुड़ीराम जी, वोट करेंगे आप? जी। कैसा नेता चाहिए? हम लोग अपना केदार कश्यप। नेता कैसा होना चाहिए? नेता फिर अच्छा ही चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ये बताओ, ये 5 साल में जो सरकार आई, सरकार ने जिस पर कर्जा माफ किया है, तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा वोट पे? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप बताओ कि आपके क्षेत्र में क्या क्या समस्या है? समस्या तो बहुत है,
क्या क्या समस्या बताओ। तो कुछ पानी का व्यवस्था नहीं है, अभी जो 5 साल सरकार भूपेश सरकार किया है पानी का, कर्जा माफ भी किए तो आधा से ज्यादा कर्जा माफ नहीं हुआ, बड़े बड़े किसान मन का कर्जा माफ हुआ, छोटे किसान का कर्जा माफ तो नहीं हुआ। ये बताइए आप इंसान को देख के, प्रत्याशी को देख के वोट करेंगे या कुछ मुद्दे को देख के वोट करेंगे? ये अपने वो जो काम कर रहा है उसी काम के हिसाब से हम चुने रहे नेता, अपने काम के हिसाब से चुनेंगे जी। ये देखिए किसान है और इनका भी मानना सही है कि ये भी जो अच्छा काम करेगा उससे वो वोट करेगा हमारे साथ, और कुछ भी वोटर है उनसे जानने की कोशिश। भाई वोट डालोगे ना आप? वोट डालेंगे? हाँ डालेंगे। आपके क्षेत्र में क्या समस्या है? कुछ नहीं है समस्या है। बताइए सर, आप बताइए क्या समस्या है सर, बताइए आप बताइए। इस साल तो पानी नहीं गिरा बहुत, धान कमजोर है, अभी सरकार तो 20 क्विंटल लेने वाला है लेकिन धान कम है, हैं? आप वोट करेंगे ना? वोट तो करेंगे। क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पे वोट करेंगे आप? मुद्दा अभी क्या, भूपेश सरकार अभी किसानों का ऋण माफ करेगा, उसी को देंगे वोट, क्या करेंगे? हमारा कर्जा लिए है भाई, कर्जा लिए। ये भी है, सही बात है। हमारे साथ दूसरे भी किसान है जो बाजार हुए है, उनसे भी जानने कोशिश करेंगे। बताए कौन से गाँव के आप? सुनारपाल। सुनार, क्या क्या नाम है आपका? बंसी। बंसी जी आप वोट करेंगे? करेंगे ना। कैसा नेता होना चाहिए? अच्छा नेता होना है, काम के लिए। काम के लिए जी। ये बताइए आपके क्षेत्र में क्या समस्या है? हमारे क्षेत्र में सब ठीक है ना? सब ठीक है। विधायक कौन है? विधायक अभी तो चंदन जी हैं। चंदन है। गांव में आते हैं? आते हैं। कब कब देखे आप? आते हैं ना, आते रहते हैं। क्या समस्या है? तो पानी का और बिजली बिल, बिजली का नहीं है? नहीं है, कोने कोने में नहीं है। नहीं है, नहीं है सर। अच्छा, कैसा नेता चाहिए आपको? क्या बोले तो? कैसा नेता चाहिए? ओ बिजली बढ़िया। अभी तो विधायक कौन है? चंदन है। गांव में आता है? आता है। लगात करते हैं आप जी, समस्या को सुनता है? समस्या का पूरा सुनता। आपका क्या नाम है? आपका क्या नाम है? अंतु। अंतु तुम वोट करोगे? कैसा नेता चाहिए आपको? अच्छा नेता चाहिए। अच्छा नेता चाहिए। क्या समस्या है गांव में? समस्या तो पानी का समस्या है। ये बताओ अभी ये जो चुनाव चल रहा है, हाथ छाप है, कमल छाप है, झाड़ू छाप है, किसका ज्यादा भारी दिख रहा है? ये हाथ छाप का दिख रहा है। हाथ छाप का दिख रहा है। आप बताइए दीदी कहाँ से आप? वोट डालोगे आप? वोट डालोगे? गांव में क्या क्या तकलीफ है, क्या समस्या है? आम के लाइट चुनी है, छोटिया घर चुनी है, कहीं चुनी है, 10-12 साल होली लाइट का बोलून बोलून थोकलू। हाँ। नहीं देव ये साल हाथ छाप के देव दुकान दे दे का नहीं आले। तुम्हारा विधायक कौन है? चंदन। चंदन, ये इस बार कौन कौन वोट में खड़ा हुआ जानते हैं उसको? जानते हैं। केदार। कौन कौन खड़ा हुआ है? केदार, चंदन। ये बताओ कौन भारी है, हाथ छाप या फूल छाप या झाड़ू छाप? हाथ छाप। हाथ छाप भारी है। चलिए एक विजन भी हंस रहा है। आपका क्या नाम है भाई साहब? नारायण सिंह। नारायण सिंह, क्या माहौल दिख रहा है आपको चुनाव का, किस प्रकार प्रचार प्रसार चल रहा है? प्रचार प्रसार तो दोनों पार्टी का जोर शोर से चल रहा है, लेकिन भारी तो बीजेपी का लग रहा है। भारी बीजेपी का लग रहा है। बीजेपी का लग रहा है क्योंकि 5 साल भूपेश को देख लिए, सिर्फ किसान का ही कर्ज माफ किया, लाइट बिल तो जैसे का है वैसे दुगुना, दुगुना को प्रतिगुना, पानी का समस्या गांव में, सड़क का समस्या है, क्या किए भूपेश सरकार 5 साल में? कुछ नहीं किए। अपना तो लोकप्रिय नेता तो केदार कश्यप है, बहुत सुनते भी हैं सबका और निवारण भी करते हैं, कुछ समस्या होता है तो उसका तत्काल निवारण करते हैं। चंदन कश्यप तो हैं विधायक पद में लेकिन कोई समस्या का हल नहीं निकाल। गांव में घूमते कि नहीं? नहीं नहीं, वो तो घूमते होंगे लेकिन नहीं के बराबर है। अभी तो चुनाव का माहौल है तो रोज उठते हैं जाते हैं बस। पिछले 5 साल में कुछ बदलाव दिखा आपको इस इलाके में? नहीं नहीं, वो गोठाने का ही दिखा है और किसान का कर्ज माफ हुआ वही दिखा, और उसके अलावा तो कुछ काम। सर तो सरकार फिर कर्ज माफ कर दे रहे हैं? वो तो बोलने की बात है, तो किसानों को कर रहा है ना, मध्यम परिवार जिनके पास जो लोन नहीं लिए हैं उनका भी तो समस्या है ना। क्या मुद्दा रहेगा वोट का? वोट का मूलभूत सुविधा है, रोड का है, हमारा नारायणपुर में रोड की हालत बहुत किल्लत है, वहाँ
नारायणपुर कोंडागांव से लेकर नारायणपुर तक के और भानुप्रतापपुर से लेकर नारायणपुर तक के रोड जर्जर स्थिति में, लोगों को गाड़ी चलाने में और जैसे डिलीवरी पेशेंट है, नारायणपुर में हॉस्पिटल की कमी है, पानी की सुविधा नहीं है, तो हॉस्पिटल भी ले जाना है तो रायपुर ले जाना पड़ता है पेशेंट को, तो पेशेंट ले जाते आधे रास्ते में ही उनका डेथ हो जाता है। इस कदर रोड की स्थिति खराब है। आप सिंबल को देख के वोट करेंगे कि ये प्रत्याशी को देख के वोट करेंगे? तो काम अच्छा करने वाले को ही वोट करेंगे, और हम तो चाहते हैं कि पिछले 5 साल में अभी कांग्रेस को देखे, उनका काम बिल्कुल सही नहीं है, कोई भी स्थिति में काम सही नहीं है। आप जैसे गोठान के बारे में ले लीजिए, गोठान भी सही नहीं है, नारायणपुर एरिया में कहीं पर गोठान एक दो जगह में बनी हुई है और मगर वहाँ एक भी गाय नहीं है, रोड सही नहीं है, पानी सही नहीं है, स्कूल शिक्षा सही नहीं है। तो हम चाहते हैं कि बदलाव लाना है, तो इस बार फिर बीजेपी को। जो आपका विधायक है क्षेत्र में किस तरह से दौरा करते हैं, कब उससे आप मिले थे? वो दौरा नहीं करते, वो जनप्रतिनिधि है उनके, वही थोड़े बहुत घूम लेते हैं, विधायक कभी दौरा नहीं करते हमारे यहाँ। नहीं किया विधायक? नहीं किया। क्या लगता है कौन किस पे भारी है, पंजा या फूल या आम आदमी या जनता दल? नहीं, अभी तो लोगों में यही सुनने को मिल रहा है कि भाजपा को ही वोट करेंगे। भारी पड़ दी? हाँ, भाजपा भारी है हमें नारायणपुर जिले में। चलिए, हमारे साथ एक इंटेलिजेंट सर भी बैठे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप वोट करेंगे? बिल्कुल, तो वो किस अधिकार है हमारा? तो क्या मुद्दा रहेगा, क्या मांग रहे, क्या किस मुद्दे पे आप वोट करेंगे, क्या चाहते हैं? जो भी सरकार हमारी अच्छा सेवा कर सकता है हम उसी को वोट देंगे। प्रत्याशी कैसा होना चाहिए? प्रत्याशी निष्पक्ष होना चाहिए और बिल्कुल बिना करप्टेड होना चाहिए। बिना करप्टेड होना चाहिए, ये बताइए। जिस हम उसी प्रत्याशी को देंगे जो करप्शन से दूर है, चाहे वो कोई भी हो। हमें किसी से नहीं मतलब है कि कौन कांग्रेस है, कौन भाजपा है और कौन अन्य पार्टी का है, उससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन हम चाहते हैं जो अच्छा प्रत्याशी हो, जो हमारे सेवा कर सके, हमारे ग्रामीण लोगों की सेवा कर सके, उसको हम वोट देना चाहेंगे। अब आपको लगता है कि अंदरूनी क्षेत्र में लोगों में डेवलप आया, लोगों में बदलाव आया इस 5 साल के भीतर? नहीं, कुछ तो बदलाव आया है। अब मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। सरकार ने कुछ काम अच्छा किया है, जो अच्छा लगता है जो ग्रामीण जनता के लिए अच्छा काम किया। बताइए एक लास्ट अंतिम सवाल। हाँ। चुनाव प्रचार चल रहा है, सरकार ने कर्जा माफी का भी घोषणा कर दिया है, कितना प्रभाव पड़ सकता है लोगों में? कर्जा प्रभाव का तो बहुत ज्यादा पड़ेगा, कर्जा का माफी का जो उसका प्रभाव इतना पड़ेगा कि पूर्व में भी ऐसा ही हुआ है। लेकिन अब आम लोगों की जो मन की बात है उसको तो हम नहीं बोल सकते हैं पढ़ के। ये बताइए कौन किस पे भारी है, पंजा फूल या आम आदमी या जनता दल? मुझे तो देखने में ऐसा लगता है कि आज की तारीख में कांग्रेस दिख रहा है ऐसा। 5 साल का 10 साल 15 साल में तो केदार भाई था अपना, उधर तो चल रहा था, चलने से क्या हुआ, चलते चलते कांग्रेस ही जोर पकड़ लिया, फिर आ गया। तो इसमें क्या है, बदलाव बहुत हो गया, क्यों बोलने से बीजेपी शासन में 15 साल का राज में बहुत कुछ हुआ, और 5 साल के अंदर अंदर कांग्रेस शासन में कुछ नहीं हुआ। ये क्या है, कोरोना ले आए, लोगों को 2 साल ऐसी भुगतना पड़ा, बेरोजगार भूखे मरा, उसको कोई देख रेख तो नहीं हुआ, उसका गरीब का तो कोई है ही नहीं, माँ बाप उसको कौन देखेगा? सर, कोरोना में तो ऐसी बेरोजगार मर गए 2 साल के अंदर अंदर, 5 साल का राज साथ 3 साल था, ये 3 साल भी खत्म हो गया, बेरोजगार तो भूखे ही मर रहा है अभी तक, उसका कुछ नहीं हुआ। अभी चुनाव में कौन कौन खड़ा हुआ है? अभी चुनाव में खड़ा हुआ आपका चंदन कश्यप है, आपका केदार कश्यप। कौन किसमें भारी है? इसमें सर अब मैं बोल नहीं सकता, लेकिन तो 15 साल में जो राज किया उसी का ही वैल्यू दिख रहा है जी। दादा आप कौन से गाँव के हैं? यही पे वोट करते हैं ना। कैसा नेता चाहिए आपको? पूरा नहीं लेता, केदार कश्यप। क्यों? काम भी बहुत हुआ है, रोड भी उसी समय का है। और इस समय में इस विधायक साहब ने कुछ किया? ये कहा, बस उद्घाटन किए हैं, जो पुराना केदार का था वो जाके उद्घाटन किए हैं बस, और कुछ नहीं है, जो भी बना है उन्हीं का बना है। तो निश्चित रूप से हम वोटरों से बात किए हैं, नारायणपुर विधानसभा के वोटरों के मन को टटोला है, आप सुने होंगे वोटरों के मन में क्या चीज है, आखिर इसका परिणाम तो जब मतगणना होगी, जब परिणाम आएगी उसमें पता चल सकेगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, नमस्कार।